हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में, जिसका नाम है प्रीति के व्लॉग। तो अभी दोस्तों सुबह के बज गए हैं 10। आज नाश्ते में मैंने मिशु के पापा के लिए कद्दू की सब्जी प्लस पूरी डाली हुई है। नाश्ते में नहीं, सॉरी, लंच में। नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट। तो मैं सोच रही हूँ मैं सब्जी तो बनी हुई है पूरी बना लूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो को व्यू करता है, मींस देखता है, उसको प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। आपके एक लाइक से मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी और अच्छे से मेहनत करूँगी। तो प्लीज़ जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए उसको लाइक और कॉमेंट भी जरूर कीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। दो दे दो, दे दो, दे दो प्लीज़। नो नो, अब पता नहीं उससे खेलने में लगी पड़ी है। तो ये बन गया मेरा नाश्ता। आज एक कद्दू की सब्जी, पूरी और ये मिशु का दूध। पहले मिशु को पूरी और ये खिलाऊंगी, फिर दूध। ये रही मिशु, ऑलरेडी मांग रही है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो ये एक दलिया का पैकेट है, आई थिंक ये 1 किलो का होगा। ये चने हैं, देन ये वाले चने हैं, और ये मिशु, ये मीठी मीठा, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये मिशु का आंगनबाड़ी का राशन। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और यहाँ पे मैंने थोड़े पापड़ तले और ये रही मेरी चाय। एक्चुअली मैं सो गई थी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं करी। नन्नू को खिलाओ। ये अपने नंदू को पापड़ खिला रही है। नन्नू ने भी खाया। अब वेट है उत्तराखंड जाने का, क्योंकि जैसे जैसे दिन पास आते हैं ना वेट नहीं होता है। अभी भी ना थोड़ा सा वीकनेस सी लग रही है, पता नहीं क्यों। पक्का मेरा बीपी लो हुआ होगा। मेरा बीपी नॉर्मली 110 से ऊपर कभी नहीं जाता। अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। और ये मिशु हमेशा की तरह अपनी मस्ती में झूमती हुई। तो गाइस मैं अभी आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि प्लांट में पानी डालने हैं। ये रही मिशु, ये रहे मेरे प्लांट में। मिशु को मिशु मुझे बता रही है। अच्छा इसमें मिशु तोड़ना नहीं बेटा। नो नो, इनमें भी पानी डालना है। और मेरा एक ये वाला प्लांट सूख गया है, पता नहीं कैसे। देखो मिशु कैसे अपने टॉयज लेके जाती है। आ जाओ फिर। अब देखिए क्या करेगी। बस मिशु अपना खेलने में हो गई बिजी, तो मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। देखो मिशु का गेम। चलो मिशु रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गाइस अभी रात के बज चुके हैं 8 और मैंने अपना डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ दाल और चावल, क्योंकि मिशु के पापा को दाल चावल खाना है, तो मेरा भी मन हो रहा है। वो आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। पहाड़ियों में तो जो उत्तराखंड वाले हैं उनको तो पता होगा टमाटर की चटनी, जो हम सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं। तो मेरे पास सिलबट्टा रखा हुआ है, तो आज मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो मैंने कटिंग कर ली है टमाटर को दो पीस में, और थोड़ा लहसुन लिया है, हरी मिर्च, अगर हरा धनिया होता तो और बेस्ट होता, बट अभी मेरे पास है नहीं। तो चलिए अब हम, वैसे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं लेकिन सिलबट्टे का स्वाद अलग ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आ गई मेरी मिर्च। तो सबसे पहले मैंने पीसनी स्टार्ट की है मिर्च, फिर लहसुन और उसके बाद टमाटर। सिलबट्टे का स्वाद ही अलग होता है, वैसे तो मिक्सी में जल्दी बन जाती है, बट मेरे को आज सिलबट्टे की ही चटनी खानी थी। और इन टमाटरों को मैंने अच्छे से गैस में भून लिया था, वरना इनमें कच्चापन रह जाता है। घर में तो हम चूल्हे में कोयलों में भूनते हैं, बट यहाँ पर हमने गैस में ही भून के इनको अच्छे से मैंने पीस दिया। तो गाइस ये बन चुकी है मेरी टमाटर की चटनी। अब इसमें मैं डालूँगी सिर्फ और सिर्फ नमक, दैट्स इट। तो गाइस हम लोग का डिनर हो गया है, अभी जस्ट मैंने बर्तन धो के अपना किचन वगैरह समेटा है। और आज मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और मिशू और मिशू के पापा सामने खेल रहे हैं। ये मिशू का सामान हमेशा की तरह, ये मिशू की एक रेलगाड़ी है तो वो अपने पापा से बनवा रही है। मिशू निन्नू नहीं आ रही नो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रीति के व्लॉग। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।